हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरों ने दो मार्बल इकाई में मारी सेंध। निर्माणाधीन मार्बल इकाई से चुराई करीब 2.5 लाख की केबल। दूसरी मार्बल इकाई से चुराई करीब 20,000 मूल्य की कॉपर केबल। आबू रोड रिको औद्योगिक क्षेत्र की मार्बल इकाइयां इन दिनों चोरों के निशाने पर है। चोर लगातार खाकी की गश्त व चौकसी को आईना दिखाते हुए अपने फन का कमाल दिखा रहे हैं। इसी की बानगी आज औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिली। रिको थाने से चंद कदमों के फैसले पर निर्माणाधीन एक मार्बल इकाई से करीब 2.5 लाख रुपए की मूल्य की केबल चोर चुरा कर ले गए। वहीं समीप स्थित एक अन्य मार्बल इकाई से भी करीब 20,000 मूल्य की कॉपर केबल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की वारदात से उद्यमियों में रोष घर कर गया। आक्रोशित उद्यमियों की ओर से रिको थाना अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी गई। लगातार हो रही चोरियों पर आक्रोश व्यक्त किया गया। चोरियों का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं चोरों का निशाना बन चुकी इकाई संचालकों की ओर से रिको थाना अधिकारी को अलग अलग प्राथमिकी सौंपी गई। 4 लेन हाईवे पर स्थित रिको थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही चोरियों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। आम जन की सुरक्षा अपराधियों में भय का ध्येय वहाँ के जुमला साबित हो रहा है। इसी की बानगी आज देखने को मिली। चोरों ने रिको थाने के चंद कदमों की दूरी पर स्थित जक्ष ग्रेनाइट में मशीनें लगने का कार्य जारी है। निर्माण कार्य चल रहा है। इकाई में चोरों ने अपने फन का कमाल दिखा दिया। कटर के करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की केबल काट कर ले गए। वहीं पास में स्थित शिवांगी मार्बल में भी चोरों ने अपने फन का कमाल दिखा दिया। करीब 20,000 रुपए के मूल्य की कॉपर केबल काट कर ले गए। लगातार हो रही चोरियों से उद्यमियों में रोष फैल गया। आक्रोशित मार्बल इकाई संचालक एकत्रित होकर रिको थाने पहुँचे। रिको थाना अधिकारी देवीदान के समक्ष लगातार हो रही चोरियों पर नाराजगी जाहिर की। लगातार अवगत करवाने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर रोष का इजहार किया। साथ ही इकाई संचालकों की ओर से रिको थानाधिकारी को अलग अलग प्राथमिकी दी गई। मामले में कार्यवाही की मांग की गई। इन्होंने दी रिपोर्ट। अभिषेक ग्रेनाइट के संचालक की ओर से रिको थानाधिकारी को दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत 2 महीने में 3 बार कॉपर वायर की चोरी हो चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 1 लाख रुपए है। थानाधिकारी को फोन व ज्ञापन द्वारा अवगत करवाने के बाद भी चोरी का सिलसिला अनवरत चालू है। औद्योगिक क्षेत्र चोरी की समस्या से परेशान हो चुका है। 3-4 महीने में चोरों का यह कार्य लगातार जारी है। चोरी का खुलासा नहीं होना गंभीर विषय है। इसी क्रम में स्पेस ग्रेनाइट के संचालक तरुण जैन की ओर से थाना अधिकारी को रिपोर्ट दी गई, जिसमें उनकी फैक्ट्री में 21 नवंबर को अज्ञात चोरों ने कॉपर केबल को चोरी कर लिया, जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपए है। वीके मार्मो स्टोन के महेंद्र सिंह की ओर से थाना अधिकारी को प्राथमिकी दी गई। प्राथमिक के अनुसार 1 महीने में 3 बार कॉपर वायर की चोरी हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख रुपए है। फोन व ज्ञापन द्वारा लगातार अवगत करवाने के बावजूद भी चोरी का सिलसिला जारी है। मामले में FIR दर्ज कर चोरी का पर्दाफाश करने की मांग की गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आबू रोड के मार्बल उद्यमी स्वयं उपाध्याय इन्होंने ये कहा, विगत 2.5 महीने पूर्व से चोरियां हो रही है और कम से कम 20 लाख का माल चोरी हो गया है। आज रात को भी एक जगह की इंडस्ट्री नई खुल रही है अभी, उसमें से 3 लाख रुपए की केबल, 2.5 से 3 लाख रुपए की केबल नई फैक्ट्री की चोर चुरा लिया है। मेरी स्वयं की फैक्ट्री में भी महाशक्ति स्टोन में भी 20,000 की आज चोरी हुई है। उसके बाद आज हम मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं थाने में। उसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, ना चोर को पकड़ने में असक्षम है पुलिस, और आज तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं हो गई। उद्यमियों में बहुत ज़्यादा रोष आ रहा है आबू रोड के, और वो बहुत परेशान है कि अगर इस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम थाने में धरना भी देने की स्थिति में आने वाले हैं और पूरा इंडस्ट्री एरिया बंद करेंगे, ताकि पुलिस हमारे चोर जो भी चोरी कर रहा है उन चोरों को पकड़े। कम से कम एक बार चोरों को पकड़ेगी पुलिस तो कार्रवाई होगी, उसके बाद चोरी रुकना बंद हो जाएगी। अगर ये जब तक चोर को नहीं, चोर के हौसले बहुत बुलंद हैं, चौकीदार रह रहा है उसके सामने भी चोरी आराम से करके जा रहा है, और इंडस्ट्री चालू है तो भी चोरियां करके जा रहे हैं, चोर के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। गश्त नहीं होती है? अरे ये जो चौकीदार छुरा लेके खड़ा रहता है, क्या गश्त? पुलिस की कुछ भी नहीं है। पुलिस की गश्त होती तो आज तक चोर पकड़े जाते। पिछले 2.5 महीने से पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, आश्वासन ही दिया है कि हम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने डिप्टी साहब से बात करी, CI से बात करी, हमने ज्ञापन दिए हैं, अखबार में भी न्यूज़ें आई हैं, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी चोरी हो गई है 2 फैक्ट्रियों में। 3 लाख रुपए की चोरी हो गई आज हम FIR कराने जा रहे हैं। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।